फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वेरीफायर को लेकर के दो तीन क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सारे डाउट आपके क्लियर कर देती हूँ। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वेरीफायर क्या होता है, कौन होता है। इसकी मैंने वीडियो पहले ही बना दी थी, मैं उसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हैं कि आप किसको किसको वेरीफायर बना सकते हैं। जो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं वेरीफायर के बारे में, मैं आपको वो बता देती हूँ। एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि क्या वेरीफायर को पूरे दिन CSC सेंटर पे, जहाँ पे भी आधार का काम चलेगा, वहाँ पे बैठना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये UIDAI का ही डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है मैं वो पढ़ के आपको पहले बता देती हूँ और फिर इसका मतलब आपको समझाऊंगी। सबसे पहले देख लीजिए, वेरीफायर मस्ट वेरीफाई फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इनरोलमेंट फॉर्म डिटेल्स अगेंस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो खैर, हम तो यहाँ पे इनरोलमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वेरीफायर का काम ये होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वो क्रॉस चेक करेंगे और फिर उसमें डिटेल्स जो है वो सही है, गलत है, कहीं डॉक्यूमेंट फर्जी तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना वेरीफायर का काम होगा। और यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि इन केस अ रेसिडेंट हैज़ कम फॉर करेक्शन, द वेरीफायर विल चेक द करेक्टनेस ऑफ द फील्ड्स दैट नीड टू बी करेक्टेड अगेंस्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली एक फॉर्म होता है, जो जब भी कोई अपने आधार में करेक्शन कराने के लिए आता है तो उसको एक फॉर्म फिल करना होता है। उस फॉर्म में वो अगर आप मान लेते हैं कि उनको अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, तो डेट ऑफ बर्थ अगर थी कि 19th August 1989 और उनको करना है 19th August 1988, तो उस डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रूफ होना चाहिए। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या क्या हो सकता है, इसकी कंप्लीट एक लिस्ट है। तो अभी हम मान लेते हैं कि उन्होंने प्रूफ जो दिया है वो अपना 10th का सर्टिफिकेट दिया है प्रूफ। तो वेरीफायर का काम ये होगा कि वो चेक करेगा कि प्रूफ मैच कर रहा है डेट ऑफ बर्थ जो अब वो चेंज कराना चाहते हैं उससे या नहीं, जो सर्टिफिकेट वो लेकर के आए हैं एज अ प्रूफ वो सही है या नहीं, ओरिजिनल है या नहीं, और फिर उस चीज़ को वो फिल करेंगे, उस फॉर्म पे वेरीफायर साइन करेंगे और साइन करने के बाद ही जो ऑपरेटर या सुपरवाइज़र होगा उस तक ये फॉर्म जाएगी और फॉर्म जाने के बाद में ही उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे सुपरवाइज़र या ऑपरेटर। तो आइडियली प्रोसेस यही होना चाहिए। और इस हिसाब से देखा जाए तो वेरीफायर को हमेशा ही सेंटर पे बैठना पड़ेगा जब भी आप आधार का काम करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि 2 रुपये ही मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वेरीफायर को, तो 2 रुपये में कौन सा वेरीफायर बैठेगा। तो अगर आप नहीं बैठाना चाहते हैं तो वो आपका रिस्क होगा, उसका कैलकुलेशन आपको करना होगा। लेकिन अगर आप रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं तो जी हाँ, वेरीफायर को बैठना ही होगा आधार सेंटर पे। और दूसरा जो यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया है, वेरीफायर विल साइन एंड स्टैम्प द इनरोलमेंट फॉर्म आफ्टर वेरीफिकेशन, इफ स्टैम्प इज नॉट अवेलेबल द वेरीफायर कैन साइन एंड पुट हिज नेम। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस फॉर्म पे, अगेन यहाँ पे इनरोलमेंट का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन अगर आप बाई चांस वहाँ पे सिर्फ अपडेशन ही करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि अपडेशन के दौरान भी उस फॉर्म पे वेरीफायर को साइन करना होगा कि हाँ, वेरीफायर ने वेरीफाई किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया जा रहा है वो सही है, और फिर इसको प्रोसीड किया जाता है ताकि ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र उसको अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई कर सके सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो ये एक चीज़ हो गई, मैंने क्लियर कर दिया है। और दूसरा आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको बायोडाटा कैसा होगा वेरीफायर का वो दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि बायोडाटा में वेरीफायर के क्या क्या लिखना है। ये सैम्पल फॉर्मेट, आप इसको ऐसा पक्का मत मानिए, लेकिन एक सैम्पल फॉर्मेट जो आप भेजेंगे उसमें ये सारी डिटेल होनी ही चाहिए। अगर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको भेज दूंगी। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करें कोई भी चीज़ भेजने के लिए, क्योंकि अगर मैं अभी बोलती हूँ, आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट आने लगते हैं, भेज दिया भेज दिया, तो ऐसा नहीं होता है, मुझे एक दिन का टाइम दें। तो ये है बायोडाटा, ऊपर पोजीशन, तो यहाँ पे वेरीफायर लिखेंगे, जिस दिन भी आप बायोडाटा बना रहे हैं या फिर भेजने वाले हैं उस दिन का डेट लिखें, नाम, सेक्स यानी मेल फीमेल, सिटी का एड्रेस, प्रोविंशियल एड्रेस आप छोड़ सकते हैं या फिर प्रोविंशियल एड्रेस लिख सकते हैं, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर उनके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो छोड़ दें, सिर्फ
सेल फोन नंबर लिख दें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, प्लेस लिखें, सिटीजनशिप इंडियन, रिलीजन जो भी है क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम वो लिख दें, स्पाउस का नाम मतलब बीवी का नाम या फिर अगर लेडीज़ हैं तो पति का नाम, ऑक्यूपेशन फिलहाल क्या कर रहे हैं, तो जैसे रिटायर्ड सर्विस मैन या जो भी हैं तो वो आप लिख दें यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम और कौन कौन सी लैंग्वेज बोल पाते हैं वेरीफायर आपके। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है कि एलिमेंट्री कहाँ से पढ़ी उन्होंने, हाई स्कूल कहाँ से पढ़ी, कॉलेज कहाँ से पढ़ी, डिग्री क्या रिसीव की और स्पेशल स्किल्स जैसे कि अगर उन्हें कोई ट्रेनिंग की है या कंप्यूटर कोर्स कोई किया है या फिर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज जानते हैं या फिर कोई खेल कूद में कोई ट्रेनिंग की है, जो भी ट्रेनिंग है उनकी स्पेशल स्किल्स है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। और यहाँ पे उसके साथ साथ किस साल में उनकी, जैसे अगर उन्होंने 10th किया था 80s में, तो आप जो भी साल है वो यहाँ पे लिख दें, फिर हाई स्कूल कब ख़त्म किया वो लिख दें, कॉलेज कब ख़त्म किया वो लिख दें, तो वो हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आपको लिखना है कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे उन्होंने अपनी नौकरी की थी, ये बहुत बहुत क्रूशियल है। अगर ये आप गलत करते हैं तो हो सकता है कि आपको कभी कोई रिस्पॉन्स ही ना आए आधार के लिए, आधार के काम के लिए। तो ये ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे काम करते थे वो, उनका पोजीशन क्या था। अगर दो अलग अलग कंपनियों में काम किया है मान लेते हैं तो दोनों का आप लिखेंगे, और फ्रॉम टू तो देख लीजिए आपका टू का जो डेट होगा वो 2020 से पहले, मतलब आज जैसे 16 अगस्त है तो 16 अगस्त 2020 से पहले पहले का होगा, तभी तो वो रिटायर्ड होंगे। अदरवाइज वो रिटायर्ड नहीं होंगे तो फिर आप उनको वेरीफाइड नहीं बना सकते। और यहाँ पे कैरेक्टर रेफरेंस यानी कि जैसे अगर आप किसी का भी रेफरेंस देना चाहते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर किसी गैजेट ऑफिसर का रेफरेंस देते हैं तो हमेशा अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे नेम, उनका डेजिग्नेशन, दो रेफरेंसेस के टाइप का, उनका कंपनी और कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। तो ऐसा दो रेफरेंसेस दे सकते हैं। रेफरेंस कभी भी कंपलसरी नहीं होता, अगर आप चाहें तो ना दे सकते हैं, चाहें तो दे देने से एक इमेज अच्छी बन जाती है। और यहाँ पे एप्लीकेंट यानी जो वेरीफायर होंगे उनका साइन होगा, और फिर आप इसको स्कैन करें या फिर PDF में कन्वर्ट कर दें और फिर आप CSE को ये भेज दें। तो मुझे उम्मीद है अब वेरीफायर को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।